भारत वर्सेस इंग्लैंड के बीच तीसरे टेस्ट मैच के दूसरे दिन का भी खेल अब समाप्त हो चुका है। दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक इंग्लैंड की टीम की पहली इनिंग की शुरुआत आज हो गई थी। उन्होंने 207 रन बना लिए हैं, 2 विकेट ही खोए हैं और बेन डकेट ने शतक भी जड़ दिया है। और इस तरह से उन्होंने 207 रन बनाए, 2 विकेट खोकर, और अब इंग्लैंड की टीम मात्र 238 रन पीछे है इस टेस्ट में। 35 ओवर का आज खेल हुआ जिसमें 207 रन बने, 5.91 की रन रेट से बल्लेबाजी की है इंग्लिश बल्लेबाजों ने। रियल बेसबॉल क्रिकेट का खेल आज इंग्लिश बल्लेबाजों की ओर से देखने को मिला। बता दें कि टीम इंडिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था। कल 326 रन बनाए थे, 5 विकेट गिरे थे। रोहित शर्मा और रविंद्र जडेजा का शतक था। सरफराज खान 62 रन बनाकर रनआउट हो गए थे। उसके बाद जब आज दूसरे दिन का खेल शुरू हुआ तो भारतीय बल्लेबाज रविंद्र जडेजा, कुलदीप यादव 2 और 5 रन जोड़कर पवेलियन लौट गए। उसके बाद रविचंद्रन अश्विन और ध्रुव जुरेल ने अच्छी साझेदारी की, लेकिन उनको भी आउट किया मार्कवुड ने। उसके बाद जसप्रीत बुमराह को भी मार्कवुड ने आउट कर भारतीय टीम को 445 रनों पर समेट दिया, जिसके जवाब में बल्लेबाजी करने उतरी इंग्लैंड की टीम ने बेसबॉल क्रिकेट खेलते हुए ताबड़तोड़ 35 ओवर में 207 रन बना डाले हैं। अब 238 रन बस पीछे रह गई है इंग्लैंड की टीम। अब कल तीसरे दिन का खेल जब शुरू होगा तो टीम इंडिया के गेंदबाज जल्द से जल्द इंग्लैंड बल्लेबाजों को आउट करना चाहेंगे। साथ ही रविचंद्रन अश्विन ने आज भारत को पहली सफलता दिलाई, उन्होंने जैक क्रॉली को आउट किया और आउट करते ही अपने टेस्ट करियर में 500 विकेट भी हासिल किए। अश्विन के अब 98 टेस्ट मैचों में 500 विकेट हो गए हैं, ऐसा करने वाले दूसरे भारतीय गेंदबाज बन चुके हैं। पहले नंबर पर अनिल कुंबले का नाम आता है जिन्होंने टेस्ट में 619 विकेट हासिल किए हैं, लेकिन रविचंद्रन अश्विन ने ये सबसे कम मैचों में कारनामा कर दिखाया है भारत की ओर से। और सबसे कम मैचों में ये कारनामा किया था मुथैया मुरलीधरन ने 87 मैचों में और अश्विन ने किया है ये 98 मैचों में। खेल अब कल फिर दोबारा शुरू होगा तीसरे दिन का और इंडिया टीम जल्द से जल्द इंग्लिश बल्लेबाजों को आउट करना चाहेगी। तब तक के लिए देखते रहिए वन इंडिया हिंदी।